जिंदगी में तेजी सबको पसंद है, फास्ट पलक झपकते हैं, चीजें स्लो हो जाए तो प्रॉब्लम। बट वीडियोस में स्टोरी पूरा उल्टा है, स्मूथ स्लो मोशन सिनेमैटिक, बट फोन या कैमरा में लिमिटेशंस है। तो इंसान गलती से होता है, गलती इंसान से होती है, ये भी किसी प्रोफेशनल की गलती है। ट्राई करूंगा आप किसी दूसरे प्रोफेशनल से कटवाओ अपना बाल, बट स्लो मोशन आय हाय हाय हाय, बहुत डिजायरेबल चीज़ है आज की दुनिया में, खासकर अगर वो सुपर सिनेमैटिक हुआ तो क्या बात। और टेक्नोलॉजी की कृपा से आजकल हमें हर फोन या कैमरा पे एटलीस्ट 60 FPS देखने को मिलता है, विच इज स्लो मोशन की इंटर्नशिप, बेसिक स्टार्टिंग पॉइंट, FPS फ्रेम्स पर सेकंड, सबको पता है। बहुत सारे फ्रेम्स हमारी आंखों के सामने एक के बाद एक आने से ही हमें चलती फिरती वीडियो नजर आता है। सारे वीडियोस के लिए यही कॉन्सेप्ट है, चाहे तुम फैमिली के साथ देख रहे हो या VPN लगा के। तो उस हिसाब से तो जितना ज्यादा FPS उतना फास्ट वीडियो, तेज है ना? नहीं, क्योंकि हम वीडियोस को जनरली 24, 25 या 30 फ्रेम्स पर सेकंड की टाइमलाइन पे देखते हैं, चाहे सोशल मीडिया हो, टीवी हो, कुछ भी। तो उस हिसाब से अगर 60 फ्रेम्स पर सेकंड या फिर 120 फ्रेम्स पर सेकंड की वीडियो को अगर तुम 30 या 24 फ्रेम्स की टाइमलाइन पे डालोगे तो हो गया ना लेंथ उसका लंबा। इसीलिए जितना ज्यादा नंबर उतना ज्यादा स्लो, एग्जैक्टली लाइक एज। और तुमने अगर होशियारी की हद पार करके 24 या 25 फ्रेम्स पर सेकंड की वीडियो को खींच के स्लो करने की कोशिश करोगे तो धक्के खाओगे एक्सपेक्टेशन और वीडियो दोनों पे, क्योंकि तब उसकी बीच पे ना कोई फ्रेम्स नहीं होगा और वो गैप सेकंड्स के लिए थम जाएगा वीडियो। तो स्लो मोशन चाहिए तो एटलीस्ट शूट 50 फ्रेम्स पर सेकंड या 60 FPS, ताकि तुम उसे नॉर्मल 24 या 30 फ्रेम्स पर सेकंड पे ले आके उसके हिसाब से 2x या फिर 1.8x स्लो कर सको। बट सोच लो, तुम्हारे डिवाइस पे अगर 60 FPS नहीं है या फिर 60 FPS को तुम 120 FPS जैसा दिखाना चाहते हो, तो निकालो अपना कैमरा। मूवमेंट्स यही है ना जिसके लिए चीज़ें फास्ट या स्लो लगता है। तो अपने फ़ोन या कैमरा को तुम अगर स्लो मूव करोगे तो हो गया। सुनने में थोड़ा बेकार लगने पे भी बिलीव मी दिस एक्चुअली वर्क्स। अगर तुम्हें 60 FPS जैसा रिजल्ट 30 FPS पे चाहिए तो शूट करने के टाइम ट्राई करो कैमरा मूवमेंट की स्पीड हाफ कर दो। बट स्लो फिजिकल मूवमेंट्स का प्रॉब्लम शेक, जितना तुम शरीर से धीरे मूव करोगे उतना शेक आएगा। सॉल्यूशन, ट्राई यूजिंग वाइड एंगल लेंस, यूज ट्राइपॉड या मोनोपॉड या कोई भी पॉड जो तुम्हें एक पिवट पॉइंट एक सपोर्ट प्रोवाइड कर सके। यूज सरफेस, बहुत सारे शॉट्स पे तुम सरफेस या फिर कपड़ों की मदद से एक स्मूथ मूवमेंट क्रिएट कर सकते हो जो इनिशियली तुम्हारी वीडियो को एक हेड स्टार्ट देगा स्लो मोशन की तरफ, और ताकि इसके बाद जो एक्चुअल सेक्सी ट्रिक्स है उसको भी मदद मिले। इसे अगर ठीक तरीके से कर पाओ ना तो ये एक्चुअली तुम्हारे वीडियो को पहले ही बहुत स्मूथ और स्लो देखने में कर देगा। बट जो स्लो नहीं फास्ट करेगा तुम्हारा स्किल्स, वो है स्किलशेयर, द स्पॉन्सर ऑफ दिस वीडियो। सारा डीची, जो साइमन, आदि सिंह्स का सिनेमाटोग्राफी, व्लॉगिंग और ग्रेडिंग की क्लासेस के बाद मैं अभी कौन सी क्लास ले रहा हूँ पता है? मोबाइल एडिटिंग। यस, तुम लोगों का सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पे आते हैं ना, इसीलिए मैं स्किल शेयर पे डैन रूबिन्स का लर्न मोबाइल फोटो एडिटिंग को पूरा ग्रास्प कर रहा हूँ। क्यों? ताकि मेरा एग्जिस्टेंस स्किल और भी डेवलप हो इस चीज पे और मैं तुम्हें एक अल्टीमेट एक्सपीरियंस दे पाऊँ जैसे स्किल शेयर तुम्हें देता है, बिकॉज इट्स एन ऑनलाइन लर्निंग कम्युनिटी विद थाउजेंड्स ऑफ एक्स्ट्रॉर्डिनरी क्लासेस बाई एब्सोल्यूट प्रोफेशनल्स एंड एक्सपर्ट्स। विल कौन सी फील्ड पे? फोटोग्राफी, सिनेमाटोग्राफी, ग्राफिक डिजाइन, एनिमेशन, ऐसे क्रिएटिव स्किल से लेके बिजनेस एनालिटिक्स, मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग, ऐसा कमाल के स्किल सेट्स तुम कोई डिस्ट्रैक्शन के बिना सीख सकते हो, बिकॉज स्किल शेयर हैज नो एड्स। बेस्ट थिंग, ज्वाइनिंग स्किल शेयर इज लेस देन 1800 रुपीज अ ईयर, रफली 150 रुपीज अ मंथ। ये कार्ड रीडर देख रहे हो, दिस इज 500 रुपीज। बट स्किल शेयर ज्वाइन करने पे यू विल गेट द कंप्लीट एक्सेस टू द एंटायर ह्यूज लाइब्रेरी ऑफ क्लासेस, जिसमें अंकित भाटिया और लीली सिंह जैसे इंडियन क्रिएटर्स भी है। और जो पहले 1000 लोग मेरे डिस्क्रिप्शन से कस्टम लिंक को क्लिक करके ज्वाइन करेंगे उनको 1 month का फ्री मिल रहा है सब कुछ। सो गो फास्ट, क्लिक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड ज्वाइन स्किल शेयर। बट यहाँ पे हम होंगे थोड़ा स्लो, क्योंकि थोड़ा डीप जाना है। हर एक वीडियो में एक फ्लो होता है ना? जिंदगी में भले ही ना हो, लेकिन वीडियो में हर एक चीज एक की बाद एक किस तरीके से किस स्पीड पे जा रहा है, कभी धीरे कभी तेज, तो यही है फ्लो। एक सेक्सी एग्जांपल, सपोज स्टोरी ऐसा है कि मुझे एक कॉइन टॉस करके पता लगाना है कि जो लोग मेरे वीडियो देख के भी सब्सक्राइब नहीं करते क्या वो लोग सब्सक्राइब करेंगे, तो करना है कॉइन टॉस। अब ये था नॉर्मल फ्लो, बेसिक। अब सेम थिंग बट
ये था 60 FPS स्लो। एक और, ये था 60 FPS। तो अलग क्या था लास्ट वाले में? कट्स, थोड़े से स्लो लाइक 60 FPS को तुम इजीली 90 या 120 FPS जैसा दिखा सकते हो जस्ट बाय यूटिलाइजिंग सम कट्स। सिंपल एक शॉट को ना डिवाइड कर दो सेवरल एंगल बेस्ड शॉट्स में और पूरे एक मूवमेंट को उसके स्टार्टिंग, मिडिल एंड एंड के हिसाब से डिवाइड करते जाओ, जो ऑटोमेटिकली स्लोअर लगेगा ह्यूमन आइज के लिए। इल्यूशन, इसी सेम कॉन्सेप्ट को यूज करके एक और ट्रिक कर सकते हो जो है कॉन्ट्रास्ट। किस चीज का? वही फ्लो का। कैसे? व्यूअर्स की आंखों की एक्सपेक्टेशन को हर्ट करके। कैसे? वीडियो में सारे चीजें चल रहा है फास्ट, अचानक स्लो और फिर से, तो इससे जो पेसिंग का कॉन्ट्रास्ट हो रहा है ना, उससे नॉर्मल स्लो मोशन और भी स्लो और सिनेमैटिक लगेगा। ये वही वाला कॉन्सेप्ट है, जंगल को काट के देखो, पेड़ और भी लंबा लगेगा। इसीलिए स्पीड रैंपिंग इतना ज्यादा पॉपुलर है। स्पीड को कॉन्ट्रास्ट के हिसाब से यूज करो। स्पीड रैंपिंग जैसा और भी सेक्सी इफेक्ट्स को ना हम किसी और दिन लेके आएंगे, बट तुम नॉर्मल कट से भी कर सकते हो। जस्ट कीप अ सॉलिड कॉन्ट्रास्ट जिससे वीडियो सिर्फ स्लो ही नहीं, एक ग्रेट पेस्ड एडिट लगेगा। बट डेस्परेशन अगर तुम्हारा हद ही पार कर चुका है तो कैमरा मूवमेंट वाला फर्स्ट पॉइंट सुन के कुछ लोग बोलेंगे कि भाई कैमरा मूवमेंट्स तो ठीक है लेकिन ऑब्जेक्ट्स को स्लो कैसे करेगा? Well, बताया है तरीका, लेकिन डिस्परेशन अगर तुम्हारा कुछ ज्यादा ही है, तुम्हें 30 FPS को 90 या फिर 60 FPS को 120 ही बनाना है, फेक नहीं दिखाना, बनाना ही है, तो आ जाओ प्रीमियर प्रो पे। कोई भी फुटेज को अपने औकात के अनुसार लंबा करो, फिर स्ट्रेच कर दो, फिर देखो धक्का खा रहा है ना, नॉर्मल फुटेज है, खाएगा ही, तो उसे सिलेक्ट करके राइट क्लिक करो और आ जाओ स्पीड एंड ड्यूरेशन। फिर इस बॉक्स से नीचे ड्रॉप डाउन मेन्यू से ना ऑप्टिकल फ्लो को सिलेक्ट करो, देन प्रेस ओके। Boom. देख नहीं पा रहे हो तो इसे रेंडर करके देखो एक बार। तो पॉइंट पे मैंने ब्लेम द सॉफ्टवेयर क्यों लिखा? वेल, ब्लेम तो तुम करोगे ही जब काम नहीं करेगा यह चीज ठीक से। कब? वेल, काफी टाइम पे, खासकर जब फ्रेम पे छोटी ऑब्जेक्ट्स का मूवमेंट्स कुछ ज्यादा ही हो, पार्टिकल्स, लीव्स, मिट्टी, बेसिकली ऑब्जेक्ट्स का मूवमेंट ज्यादा होने से इसका मौत भी आ सकता है, क्योंकि ये डिजिटली फ्रेम को क्रिएट कर रहा है जहां पे भी गैप है। तो अगर वीडियो में ऑब्जेक्ट्स मूवमेंट थोड़ा कम है तो यूज ऑप्टिकल फ्लो, पर ज्यादा लालच नहीं, थोड़ा स्ट्रेच करके उसे ऑप्टिकल फ्लो मारो, कमाल का काम करेगा। बट जो भी ट्रिक्स या टेक्निक्स कर रहे हो ना, उस पर साउंड इफेक्ट्स डालना, एक्सपीरियंस और भी तगड़ा हो जाएगा। और हर चीज या हर फुटेज को स्लो मत करो, बहुत एमेचर लगता है। फास्ट पेस या नॉर्मल पेस इज ग्रेट, बट मुझे फास्ट नहीं चाहिए, धीरे धीरे दो तीन और मेरा वीडियो देखो, फिर जाके सब्सक्राइब करो। कमेंट में भी अपना टाइम लेके लिखो, कोई जल्दी नहीं। बट ऑलवेज रिमेंबर, कोई भी चीज बहुत ज्यादा होने पे उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, चाहे वो स्लो मोशन हो या लूज।